तो मैंने कहा ये मेयोनीज क्यों लाए, तो बोल रहे अभी मोमोज बनाना है। आप तो हेल्प करने से रहे। हम एक चीज में हेल्प कर सकते थे, रोमांस करने में। मेरे जैसा तो नहीं बना पा रहा है परफेक्ट, बट काम चल जाएगा। इडली स्टैंड में ही पकाते हैं। आपको भी खाना है? ले आओ यार। क्या लाओ? कोल्ड ड्रिंक पिएगा? अभी तो है, थोड़ा सा और दे दें। ये चलो इधर देखो, पी के देखो। पहली बार पी रहे हो, कैसा लगा? गंदा आ मत पियो, दो हमें। गंदा है मत पियो। अच्छा दीदी, अच्छा नहीं है, गंदा है मत पियो। अच्छा एक बार और पियो, देखें फेस का एक्सप्रेशन। अच्छा है, यम्मी बोलो। अच्छी दीदी नहीं पी रही, दो अभी रख दो, गंदा। बाबू भी नहीं पिएगा। अच्छा है, अच्छा है। अब बाबू को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कोल्ड ड्रिंक। सोकर उठे हैं सब शाम को, तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। 3 बज रहा है, अब किसी को नहीं मिलेगा, बस। अच्छा। चलो जाओ बाहर खेलो। आ मम्मा, बस अब नहीं। मम्मा। अरे दीदी से मांग, दीदी लिया, दीदी से मांगो। वैसे हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक तो कभी आता नहीं है, बट ये स्पेशली प्रैंक करने के लिए इनके डैडी लाए थे। अगर आपको ये कोल्ड ड्रिंक वाला प्रैंक देखना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस ब्लॉग के नीचे, वहां पर जाकर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। कोल्ड ड्रिंक को उन्होंने डिटॉल बनाकर प्रैंक किया था। तो आरोही को पता चल गया कि ये पीने वाला है, तो बोल रही मम्मा थोड़ा सा टेस्ट करने को दो, अभी सोकर उठी है। तो फिर टेस्ट कर लिए है दोनों। टेस्ट करने के बाद दाई है, हाँ, इसी कलर का दवाई होता है ना इसका। अभी आप लोग नीचे चेक करिए, अगर हमारे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। छी गंदा, मत पियो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी पति देव गए थे सब्जी लाने, तो पत्ता गोभी वगैरह सारा सब्जियां लिए हैं, लेकर रास्ते में से आ रहे थे। वैसे ही ठेले पर उनको दिख गया मोमोज, तो मोमोज खाने के लिए उन्होंने क्या किया, मेयोनीज लेकर आ गए घर पर। तो मैंने कहा ये मेयोनीज क्यों लाए, तो बोल रहे अभी मोमोज बनाना है। बताइए, तो चल रहे भाई किचन में बनाने, और रेसिपी आप लोगों से भी शेयर करते हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, और ये हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम मिर्ची और एक कटा हुआ प्याज डालकर थोड़ा सा भुनना है। इसमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, बस हल्का सा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी डालकर थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये घिसा हुआ गाजर और ये कटा हुआ पत्ता गोभी, डालकर थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जी जैसा, बस इसको 5 मिनट तक ऐसे ही भून लीजिए कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इसमें आप सोया सॉस भी डाल दीजिए। और अभी हमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक हम जब डाल देंगे इसमें तो ये पानी छोड़ देगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम नमक डालेंगे। ये हमारा अभी रेडी हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और अब चल रहे हैं आटा लगाने। आटा लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और ये थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से दोनों को। फिर पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे, और इसका आटा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। और ये हमारा आटा बनकर रेडी हो गया है, और 10 मिनट बाद चलते हैं बनाने। तब क्या बना रहे हो बरखुरदार? मोगली देख के बरखुरदार? हम बना रहे हैं, आप बनवा रहे हैं? हम नहीं बना रहे हैं जी, आप बनवा रहे हैं। बाबू कुछ टच मत करना। तो अपनी जनता को बताने का कष्ट करें कि आप क्या बना रहे हैं। हमारी जनता को पता है हम क्या बना रहे हैं। आपको जानना है तो आप जान लीजिए, हम बना रहे हैं मोमोज। मोमोज वो भी आपकी फरमाइश पर बना रहे हैं। मेरी फरमाइश पर? तो इतना मेहनत लगता है बनाने में,
मेहनत क्या है, आटा गूथा, उसको गोला बनाया, उसको भरा, बस बन गया। बनाकर दिखाइए एक, कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करिए तब जाने ना। एक पत्ता को भी काटने को बोल देंगे तो वो नहीं कटेगा आपसे, बर्तन करना मिर्ची है। हमें आदत नहीं है ना बरकुरदार। आदत क्यों नहीं है, बाहर रहते थे तो बनाते ही थे ना खाना, अभी क्यों नहीं बना सकते हैं आप? चलिए बनाइए। 6 साल मैंने खाना बनाया, पर शादी के 6 साल मैंने खाना नहीं बनाया, तो बराबर हो गया ना बरखुरदार। बरखुरदार मत करिए। और चलिए आकर ऐसे गोल गोल बनाइए, गोल गोल, ऐसे गोल गोल, गोल गोल। आता है बनाने? हाँ हाँ बरखुरदार। अच्छा जाकर चटनी बना लीजिए। कैसे बनती है चटनी? चटनी का सी भी नहीं आता होगा आपको बरखुरदार। हम पैदा हुए हैं देखो राजा महाराजा के घर में। मैंने आज तक टमाटर तक नहीं काटा और तुम हमें चटनी बनाने की बात कहती हो। चकला बनाकर फिर इसको बेल लेते हैं गोल गोल। देखिए आप भी कभी बनाकर खिलाइएगा। तुम सारा सामान उठा करके किचन से यहाँ क्यों आ गए? देखो हम अकेले किचन में थे, हमारा मन नहीं लग रहा था, और यहाँ आ गए हैं आप लोगों के साथ बैठेंगे, बनाते भी रहेंगे, और इसको बनाने में टाइम लगता है। फिर हम खड़े होकर कितना टाइम तक खड़े रहेंगे? आप तो हेल्प करने से रहे। हम एक चीज में हेल्प कर सकते थे, रोमांस करने में, आ करके किचन में तुम्हारे साथ रोमांस कर सकते। तुम्हारा दिल लगा रहता। चलिए बनाइए चुपचाप बैठकर। तो इन्होंने इसको बना दिया है गोल। अब इसमें भरा जाएगा। ये बना गया है गोल, और इसके किनारों पर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच स्टफिंग। फिर इसको उठाते हैं और इसको ऐसे 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 फोल्ड करते जाते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? समझ रहे। अभी फोल्ड करके आप दिखाइए हमको एक ठो। जब ऐसे सारा पकड़ लिया तो इसकी एक चोटी बना देते हैं। ठीक, जूम दिख रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना देखना? ठीक, तब फिर इसको हम इसमें रखते जाएंगे बना बना कर। पानी लग गया और ये बना रहे हैं मोमोज। इनको मैंने सिखा दिया है कैसे बनाना है, तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया एक्सपर्ट हूँ मैं, गुजिया एक्सपर्ट है अपने घर में। तो चलिए फोल्ड करिए, देखें आप कैसे कर रहे हैं फोल्ड। ऐसे ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा भी होगा मेढ़ा भी होगा तो खाना ही तो है काट कर, पेट में तो जाएगा। हाँ वही ना, मेरे जैसा तो नहीं बना पा रहा है परफेक्ट, बट काम चल जाएगा। दिखाइए, देखिए बना ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने इतना सारा बना लिया है, और इसको स्टीम के लिए हम इडली स्टैंड में ही पकाते हैं। ये पानी गर्म हो गया है और इसमें हम अपने मोमोज को रख देंगे, और पूरा रखने के बाद इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, और इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। मोमोज खाना है? मोमोज इसमें बोलो, मोमोज, मोमोज भूख लगी है? अच्छा चल रहा है, देर है, चलो यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर देंगे खाने के लिए। बैठ गए? बस इधर देखो, बस मम्मा बना के ला रही है 2 मिनट में। भूख लगी है? कहाँ लगी है भूख? पेट में। पेट में? अच्छा बस लेकर आ रहा है तो 5 मिनट में फटाक से लेकर आएगा। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है, बच्चों को दे दिए हैं और ये वेट कर रहे हैं। आपको भी खाना है? ले आओ यार। क्या लाओ? भूख लगा है यहाँ, जब अच्छा चीज बना नहीं कि आपको भूख जल्दी लगता है। श्लोकी को मेयोनीज इतना पसंद है कि वो बस मेयोनीज उठाकर खाया जाएगा। अच्छा लग रहा है श्लोकी? बोलो यम्मी यम्मी। खा लो और
अपने से नहीं खाने आ रहा है, कौन खिलाएगा? पापा खिला दीजिए जी। आ जाओ बाबू, किनारे मत जाओ, देख के तुमको भी जा रहा है इधर। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले हैं ऐसे नाइट में टहलने के लिए। अभी हम लोगों ने इतना हैवी खाना खाया मोमोज, तो सोचा कि थोड़ा सा इनके पेट को क्या करने के लिए, हल्का पेट को हल्का करने के लिए जरूरी है इनको टहलाना। तो वही हम लोग निकले हैं टहलने। ये देखिए स्टोकी एंजॉय करते हुए, और आरुही बहुत दूर जा चुकी है। आज थोड़ी ठंड कम है इसीलिए हम लोग निकल गए हैं टहलने के लिए। भागो पीपी आ रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, टहल चुके हैं, गए थे पार्क में 10 मिनट, वहीं पर बैठे हैं। तो अब जा रहे हैं घर, जाकर सीधे सो जाएंगे सब लोग। चलो सब लोग गुड नाइट और बाय करो। आई बोलो गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। रंडे 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 रंडे, लोकी तुम भी बाय करो। ये लोग दौड़ने में बिजी है। तो चलिए आप लोगों को आज, तो आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।